नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आज बहुत से लोगों का मुझे DM भी आया है, मुझे किसी ने बहुत से लोगों ने प्रश्न भी पूछा है। ये प्रश्न पूछा है कि दोस्तों, बहुत से लोगों ने ये प्रश्न पूछा है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम एक्टर बन सकते हैं या नहीं। दोस्तों, इसी के बारे में आज बात करूँगा, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बहुत से बार ऐसा होता है कि हम मुंबई तो आ जाते हैं, लेकिन मुंबई में रहने का ये जो खर्चा जो भी आता है, रहने का, ऑडिशंस देने का, ये सब जो भी खर्चा आता है, ट्रैवलिंग का खर्चा, वो सब आता है तो हमें मुश्किल होती है। क्योंकि हम बड़ी मेहनत से अपने गांव से, अपने शहर, दूसरे शहर से आए हैं, तो हमें अपने मुंबई में मेंटेन भी तो करना है, मुंबई में सर्वाइव भी करना है, क्योंकि सर्वाइवल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि हमें मुंबई में रहना तो हमें क्या करना चाहिए, साथ साथ में एक्टिंग भी करनी चाहिए। तो कोई ऐसी बताइए, ऐसे रास्ता बताइए जिससे हमें एक्टिंग से जुड़े भी रहे और एक्टिंग करते भी रहे। तो दोस्तों, बहुत से बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग लिखते हैं कि हम फाइनेंशियली वीक है तो हम क्या करें, हम एक्टर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते दोस्तों? सभी कोई बन सकता है, हर कोई बन सकता है। वो एक्टिंग का टाइम और ये आप जो जॉब करोगे उसका टाइम एडजस्ट करके आप ऑडिशंस दे सकते हो। दोस्तों, आपको कुछ आइडियाज़ मैं देता हूँ जिससे आप अपना ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो, और ऑडिशंस के साथ साथ या तो एक्टिंग के साथ साथ जुड़े हुए लोगों से काम कर सकते हो। जैसे कि आप कास्टिंग डायरेक्टर के असिस्टेंट भी बन सकते हो, असिस्टेंट टू कास्टिंग डायरेक्टर। उससे क्या होगा कि आप जो भी कास्टिंग करोगे या जो भी असिस्टेंट ही करोगे उसमें, तो आपको तो पता भी चल जाएगा और आपको मालूम भी पड़ जाएगा कि कौन से नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं टीवी के लिए, फिर वेब सीरीज़ के लिए और मूवीज़ के लिए, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है वो सब जानने मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप उनके साथ जुड़े रहेंगे तो उससे कास्टिंग डायरेक्टर को आप जब भी आप उनको ज्वाइन करो तो उन्हें बताइए कि मैं भी एक्टर बनना चाहता हूं, तो मेरे लायक कुछ हो तो मुझे बताइएगा, मैं ऑडिशंस दूंगा। तो उससे क्या होगा, ऑडिशंस रोज आप देखते देखते आप उनसे एकदम वाकिफ हो जाओगे, और कास्टिंग डायरेक्टर्स पर आपको तो भरोसा है तो माहौल नया नहीं होगा, तो आप बहुत अच्छी कास्टिंग करवा सकते हो, बहुत अच्छी ऑडिशंस दे सकते हो और आपको बहुत अच्छे चांस भी मिल सकता है। कास्टिंग डायरेक्टर से उसे बात करके आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरा है उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। भूमि पेड़नेकर एक कास्टिंग असिस्टेंट थी, और वो शानू शर्मा जो कि यशराज फिल्म्स के लिए ऑडिशंस करते हैं तो उनकी असिस्टेंट थी। तब वो खूबसूरत भी थी और बहुत अच्छा एक्टिंग भी जानती थी, तो यशराज फिल्म में उन्हें पहला चांस मिला, दम लगा के हैशा, और पहली फिल्म हिट हो गई और आज वो मानी हुई एक्ट्रेस बन गई है। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है कि लिंक कि उनके साथ जुड़े रहने से आपको सब पता चलता है कि ऑडिशंस कहाँ हो रहे, कहाँ पे किस टाइप के कैरेक्टर्स चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। तो किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के साथ जुड़ जाइए, उससे आपको सभी बातें मालूम पड़ती जाएगी, इंडस्ट्री की भी बातें मालूम पड़ेगी, वेब सीरीज़ क्या क्या हो रहा है वो भी मालूम पड़ेगा, और कोई आपके लायक रोल होगा तो मिल जाएगा। ऐसे ही दूसरे एक है हमारे दोस्त, तो भूमि जी को यशराज फिल्म्स की दम लगा के हैसा फिल्म में चांस मिल गया। वैसे ही एक दूसरे, बहुत बार क्या होता है कि कोई एक्टर कास्टिंग डायरेक्टर होने की वजह से भी बन सकता है एक्टर। ऐसा ही हुआ था बैनर्जी का, बैनर्जी साहब है, बैनर्जी कास्टिंग डायरेक्टर थे और कास्टिंग डायरेक्टर होने के साथ साथ वो अपनी भी ऑडिशंस देते रहते थे, तो उनको फिल्में मिली, बहुत सी फिल्में मिली, उन्होंने स्त्री में काम किया और बहुत सी फिल्मों में काम किया और आजकल आगे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, कास्टिंग डायरेक्टर में से एक्टर बैनर्जी भी थे और उनका नाम था अभिषेक बैनर्जी। अभिषेक बैनर्जी ने बहुत सी सीरियलों में भी काम किया है और बहुत सी फिल्में भी अभी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि, लेकिन ये है कि आप कास्टिंग के साथ जुड़े रहने से आपको आगे चांस मिल सकता है और आप ऑडिशन दे सकते हो, और अगर आपके लायक काम होगा तो उसमें आप अच्छा कर सकते हो। और जो कास्टिंग के साथ रहने से आपको क्या होगा, आपको अनुभवी हो जाएगा और आप बेफिक्र से काम कर सकते हो। उसके बाद होता है
लेकिन एक बात है कि कास्टिंग डायरेक्टर के साथ असिस्टेंट अगर आपको रहना है तो आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर्स हमेशा इंग्लिश में ही बात करते हैं, क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट होते हैं सब इंग्लिश में ही मोस्टली जवाब देते हैं, तो सबकी कास्टिंग लेना वो सब आपको कास्टिंग में एक्टिंग इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। तो भूमि पेडनेकर जी की बात थी, दम लगा के हैसा की बात थी, आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना भी इसी तरीके से आए हुए थे, छोटे छोटे रोल करके आए थे। आयुष्मान खुराना के साथ उन्होंने दम लगा के हैसा में काम किया था, भूमि पेडनेकर ने। तो दोस्तों ये कुछ काम है जो आपको करने चाहिए, और एक्टिंग से जुड़े रहोगे, ऑडिशंस के लिंक भी आपको मिलते जाएंगे और ऑडिशंस के बारे में भी पता चलेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। कॉन्फिडेंस इसलिए आएगा क्योंकि पूरे वक्त आप वही वातावरण में हो, तो आपको डर भी नहीं लगेगा, बहुत अच्छा ऑडिशंस दे पाओगे और बहुतों के ऑडिशंस देख देख के आप बहुत कुछ सीख पाओगे। तो दोस्तों जैसे ने मुझे पूछा है कि हमें क्या काम करना चाहिए, तो किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के असिस्टेंट बन जाना चाहिए, और बहुत ही और भी कुछ काम मैं बताता हूँ तो वो भी देखिए। दूसरा है दोस्तों डबिंग आर्टिस्ट, आप डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हो। डबिंग आर्टिस्ट बनने से आपको क्या होगा, डबिंग के लिए टाइम भी मिल जाएगा और पार्ट टाइम में आप डबिंग भी कर सकते हो, उससे कुछ इनकम भी कर सकते हो और एक्टिंग से जुड़े रहोगे। तो डबिंग आर्टिस्ट की जहाँ पे भी डबिंग होती है वहाँ पे जाके आप पूछिए और बताइए कोई डबिंग का काम है, अगर आपका आवाज़ उनको अच्छी लगी, आपकी आवाज़ चेक करेंगे और अच्छी लगी तो। आजकल तो क्या होता है, बहुत सी फॉरेन की फिल्में, इंग्लिश फिल्में और दूसरी भाषाओं की जो फिल्में होती हैं वो डब होती है, तो उसके लिए अच्छा काम मिल जाएगा, तो आपको कहीं और मुश्किल नहीं होगा और आपकी साइड इनकम भी हो जाएगी और अच्छे से सर्वाइव भी कर पाओगे। कास्टिंग असिस्टेंट बनने का बता दिया, फिर डबिंग आर्टिस्ट बनोगे वो भी बता दिया मैंने। जैसे कि मुकेश छाबरा जी आए थे, मुकेश छाबरा जी हीरो बनने आए थे, बहुत खूबसूरत अभी भी दिखते हैं, लेकिन वो कास्टिंग डायरेक्टर बन गए और माने हुए कास्टिंग डायरेक्टर हैं। बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने कास्टिंग की, आरामनगर में उनकी ऑफिस है अंधेरी में, तो वहाँ पर भी आप जाके मिल सकते हो। तो असिस्टेंट डायरेक्टर भी बन सकते हो, कभी किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट बनते हो, क्योंकि असिस्टेंट्स तो उनको बहुत ज़रूरत होती है। असिस्टेंट 6-7 असिस्टेंट होते हैं एक डायरेक्टर के, तो फर्स्ट असिस्टेंट, सेकंड, ये भी होता है, तो वहाँ पे आप सीखोगे तो सीखने में वो स्टाइपेंड भी देंगे आपको, और हो सकता है आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी देते हैं, और असिस्टेंट बन जाओगे तो उससे क्या होगा कि आप फिल्म से जुड़े रहोगे, उस डायरेक्टर से भी जुड़े रहोगे, वो डायरेक्टर भी आपको देखेगा और देख के वो आप कहोगे कि मुझे भी काम चाहिए। उसके बाद आता है पांचवा, असिस्टेंट राइटर बनना। असिस्टेंट राइटर भी होते हैं जो कहानियाँ लिखते हैं, बहुत वो फिल्मों की कहानियाँ लिखते हैं, सीरियलों की कहानियाँ लिखते हैं, बहुत सी कहानियाँ लिखते हैं, उन्हें असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो वो असिस्टेंट अगर आप बन जाओगे तो आपको फिल्म से जुड़े भी रहोगे, कुछ कैरेक्टर हो गए वो भी मालूम पड़ेगा, और शुरुआत में तो डायरेक्ट राइटर जो होते हैं उन्हीं के और कास्टिंग डायरेक्टर से मुलाकात होती है, कास्टिंग डायरेक्टर उनको स्टोरी बताते हैं, वो स्टोरी वो लिखते हैं, तो उस स्टोरी में तो उसमें भी आप जुड़े रहोगे एक्टिंग के साथ। तो दोस्तों एक्टिंग से जुड़े रहोगे तो एक्टिंग का पता भी लगेगा। तो ऐसे ही में जो मैंने 4-5 काम बताए वो आप करते रहोगे तो इंडस्ट्री से जुड़े भी रहोगे, आप कास्टिंग में भी लगे रहोगे और एक्टिंग भी कर पाओगे। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, मेरी बातें कुछ मोटिवेशनल लगती है, बहुत से लोगों ने मुझे लिखा है, दोस्तों आपका दोस्त हूँ, जहाँ मुझे मालूम है, जैसा मुझे मालूम है मैं आप सबको बताता हूँ, और उसमें अगर आपको अच्छा होता है या आपको कुछ राहत मिलती है तो मैं धन्यवाद समझूंगा, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि मैंने कुछ दोस्तों के लिए किया। दोस्तों ये आज का वीडियो आप ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, और देखा ही होगा तो आपको मोटिवेशन होगा। दोस्तों ऑडिशन देते रहिए, आगे बढ़िए, और पार्ट टाइम ये भी कर सकते हो जो मैंने बताया। दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स।